हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भाई भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास के अंतर्गत का आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, तो आप देख पा रहे हैं प्यारे काल की बात कर रहे थे। कुछ काल के बारे में पहले शासक पढ़े, किस प्रकार से क्या क्या राजनीतिक यहाँ रही उनकी, फिर उनके साहित्य के बारे में चर्चा, साहित्य के बारे में क्या चर्चा है, सारी रामायण महाभारत को अंतिम रूप दिया गया, साहित्य के बारे में चर्चा है कि के बाद देखिएगा, उसके बाद इसकी स्थापत्य कला के ऊपर चर्चाएं की मेरे दोस्तों की, कालिदास के बारे में चर्चाएं की, ये कालिदास का फोटो है, का फोटो कालिदास का फोटो, बात ये ना इसकी बाद रचना और क्या आर्यभट्ट के बारे में देखा हमने, कालीन स्थापत्य कला के बारे में देखा, और इसके बाद मंदिर बारे में देखा, मंदिर देवगढ़ का दशा होता है और मंदिर कहा जाता है कि मंदिर माना जाता है काली में देखा, और क्या क्या देखा भाई देख ली काली मंदिर था भाई, ये खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का शिखर गुफाएं सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। बात देखते हैं नेक्स्ट बात, चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट। देखिए तो कल तक हमने सारी जानकारियां प्राप्त कर ली थी, उसके बाद नेक्स्ट आज लेते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में, या गुप्तकालीन समाज जो है किस प्रकार से विकसित हुआ, प्रकार से गुप्तकालीन समाज की जानकारी हमें प्राप्त होती है, ये सारी जानकारी अब बात करने जा रहे हैं हम। गुप्त कालीन समाज, गुप्तकालीन समाज क्या था वही समाज के साथ था चर्चाएं हम करें, बात कर रहे हैं हम गुप्तकालीन समाज। गुप्त काल में सामाजिक जीवन कैसा था, किस प्रकार से हुआ करता था भाई। सबसे पहली बात तो यहाँ पर चतुर्वर्ण, चार वर्णों की व्यवस्था हो चुकी थी गुप्त काल में, वैसे तो वैदिक काल से मानी जाती है, शूद्र यानी कि ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय, ये चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार कितने वर्ण माने जाते, चार वर्ण वर्ण माने जाते हैं, और इनको कहा जाता है प्यारे दोस्तों किसमें, यहाँ पर जो समाज था चार वर्णों में बटा हुआ था गुप्तकालीन समाज। क्या गुप्त कालीन समाज चार वर्णों में बटा हुआ था, चार वर्णों में बटा या विभाजित था, कितने चरणों में बटा हुआ था, चार वर्णों में विभाजित हुआ करता था गुप्त काल का समाज। अब बात करें तो यहाँ न्याय वर्ण, न्याय का वर्ण के आधार पर भेद, न्याय वर्ण भेद आधारित था, अर्थात तो बात करें तो जब न्याय रखा जाता था भाई, तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाता है और शूद्रों को अधिक दंड दिया जाता था, अर्थात न्याय किसके आधार पर हुआ करता था, भेद हुआ करता था, न्याय में भेद किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, कैसे किया जाता था वो वर्ण के आधार पर हुआ। तो किसकी बात करें, न्याय, न्याय गुप्तकालीन न्याय वर्ण भेद के आधार पर था, के आधार पर था भाई, वर्ण भेद के आधार पर था। वर्ण भेद का मतलब ये है कि शूद्रों को अलग या फिर शूद्रों को अलग प्रकार से न्याय दंड दिया जाता था, और यहीं पर दंड का वर्ण भी आधार था। जैसे बात करें यहाँ पर जो दंड था वो भी वर्ण पर आधारित था, पर आधारित था भाई, दंड भी किस पर, वर्ण पर आधारित था, वर्ण पर, यहाँ पर दंड भी वर्ण पर आधारित था, न्याय भी वर्ण पर आधारित था, ये विशेष ध्यान रखनी है।
ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाता था और शूद्रों को अधिक दंड दिया जाता था, ये ध्यान रखना है। ब्राह्मणों को, तो प्यारे दोस्तों, ब्राह्मणों ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाता था, दंड दिया जाता था, ठीक है, जबकि शूद्रों को, तो प्यारे दोस्तों, शूद्रों को अधिक दंड दिया जाता, क्या दिया जाता था, अधिक दंड दिया जाता, अधिक दंड दिया जाता था, ठीक है। ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाता जबकि शूद्रों को अधिक दंड दिया जाता था, ये किसकी न्याय की व्यवस्था हुआ करती थी या दंड व्यवस्था हुआ करती थी गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में ये वर्णों के आधार पर हुआ करते थे, दंड भी किसके आधार पर दिया जाता था, वर्णों के आधार पर दिया जाता था। और बात करें तो यहाँ पर नारद स्मृति के अनुसार, नारद स्मृति के अनुसार किसके अनुसार प्यारे दोस्तों, नारद स्मृति, यहाँ पर देखिए किसकी बात करें, नारद स्मृति के अनुसार किसकी बात करें, नारद स्मृति के अनुसार, नारद स्मृति के अनुसार, नारद स्मृति के अनुसार क्या जानकारी मिलती है, अगर कोई ब्राह्मण चोरी कर लेता है तो उसे अधिक दंड दिया जाता था और कोई क्षुद्र चोरी कर लिया लेता था तो उसे कम दंड दिया जाता, ये भाई ये कहां पर उल्लेखित है भाई, नारद स्मृति में। अर्थात कोई ब्राह्मण चोरी करता था तो उसे अधिक दंड दिया जाता था, ब्राह्मण चोरी करने पर ब्राह्मण को चोरी करने पर करने पर अधिक दंड दिया जाता था, जबकि शूद्र को चोरी करने पर कम दंड दिया जाता था, कम दंड दिया जाता था, कम दंड दिया जाता था। अर्थात ये कहां पर, नारद स्मृति के अनुसार ब्राह्मण जब चोरी कर लेता था, ब्राह्मण भी कौन, ब्राह्मण ब्राह्मण जब चोरी कर लेता था तो ब्राह्मण के बारे में बात करते हैं कि अर्थात ये इसका कार्य थोड़ी था, ब्राह्मण का काम था कि ज्ञान लेना, ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम था कि सुरक्षा करना, यानी कि लड़ाई करना और लड़ाई में विजित होना या सुरक्षा करना, और वैश्यों का काम हुआ करता था व्यापार करना, वाणिज्य व्यापार करना, और शूद्रों तो का काम था भाई साफ सफाई करना, इन तीनों प्रकार के वर्णों की साफ सफाई करना, देख रेख करना, ये किसका काम हुआ करता था, ये शूद्रों का काम करता था, साफ सफाई का कार्य। तो यहाँ पर चोरी के एक निचता बुरा काम माना गया है, और वो ब्राह्मण करे कहा जाता है उसको अधिक दंड दिया जाता था, किसको, ब्राह्मण को। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, गुप्तकाल की व्यवस्था की बात करें, इस काल में वैश्यों की स्थिति क्या प्यारे दोस्तों, इस काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई और शूद्रों की स्थिति में सुधार आया, तो क्या ध्यान रखना है आपको, इस काल में वैश्यों की स्थिति, वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई, गिरावट आई, ठीक है, और शूद्रों की स्थिति में, शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, सुधार हुआ। ये किस काल की बात कर रहे हैं हम, गुप्त काल की बात कर रहे हैं, गुप्तकालीन समाज की बात कर रहे हैं। इस काल में कहा जाता है कि वैश्यों की स्थिति में तो क्या आती है, गिरावट आती है, क्या आती है भाई, गिरावट आती है, और कहा जाता है कि यहाँ पर शूद्रों की स्थिति में क्या आती है, सुधार आ जाता है, यानी कि शूद्र अपेक्षाकृत उस जमाने से काफी कुछ हद तक सुधर चुके थे। तो ये सामाजिक स्थिति देखिए आपने, इसी बात पे हम बात कर लेते हैं महिलाओं की स्थिति, बात कर लेते भाई गुप्तकालीन महिलाओं की स्थिति, गुप्त काल में महिलाओं
काल में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना। महिलाओं की स्थिति क्या थी इस काल में, कहा जाता है महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई थी और महिलाओं को एक हवस की वस्तु समझकर ही रखा गया। उपनयन संस्कार का अधिकार छीन लिया गया था। इनका उपनयन संस्कार कहा जाता है कि विवाह में हुआ करता था। कब हुआ करता था? विवाह को ही इनका उपनयन संस्कार माना जाता था और कहा जाता है कि इनको वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार भी हटा दिया गया था, अर्थात अधिकार नहीं था वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का। ये महिलाओं की काफी स्थिति में गिरावट हुआ और कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे वेश्यालय खुल गए थे, अर्थात वेश्यावृत्ति आगे मतलब जबरदस्त तौर पर हुआ करती थी। इसी तरीके से कहा जाता है कि महिलाओं को एक वस्तु के रूप में समझा जाने लगा और या तो कोई समझता था बच्चे पैदा करने की वस्तु या फिर समझता था हवस की वस्तु। ये दो ही प्रकार से यहाँ पर बहुत कम, यानी कि बहुत कम इस तरीके से महिलाओं की स्थिति में इस काल में गिरावट देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और गिरावट आने के साथ साथ कहा जाता है कि यहाँ पर विवाह की आयु 12-13 वर्ष में विवाह कर दिया जाता था। और 12-13 वर्ष में विवाह हो जाने के पश्चात उपनयन संस्कार और वेद पढ़ने का अधिकार बंद कर दिया गया था इनके द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, क्या कंडीशन, तो यहाँ पर लिखते हैं हम थोड़ा सा। चलेगा प्यारे दोस्तों, काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, स्थिति में गिरावट आई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, ठीक है। और बात करें यहाँ पर विवाह की आयु कितनी हुआ करती थी, 12-13 वर्ष कितनी होती थी भाई, 12-13 वर्ष हुआ करती थी विवाह की आयु, 12-13 वर्ष हुआ करती थी। इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार खत्म कर दिया गया। उपनयन महिलाओं को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया, अर्थात उपनयन संस्कार से वंचित कर देना का मतलब क्या है, अधिकार छीन लिया गया भाई, उपनयन संस्कार इनके द्वारा नहीं कर किया जाता था या उपनयन संस्कार से इनका हटा दिया गया, अब इनका उपनयन संस्कार नहीं होगा। और कहा जाता है याज्ञवल्क्य के अनुसार कहा जाता है महिलाओं का जो विवाह होता था वही उसका उपनयन है, इसलिए कहा जाता है उन्हें वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। याज्ञवल्क्य कहते थे भाई के अनुसार याज्ञवल्क्य के अनुसार कहा जाता है दोस्तों कि महिलाओं का जो उपनयन संस्कार था उनका विवाह हुआ करता था, महिलाओं का उपनयन संस्कार क्या हुआ करता था, उनका विवाह हुआ करता था और इसी कारण कहा जाता है कि उनको वेद अध्ययन का अधिकार बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दोस्तों ये मानते थे कि महिलाओं का विवाह ही उपनयन उपनयन संस्कार होता था
इस कारण इस कारण इन्हें ने वेद वेदों के अध्ययन की अनुमति अध्ययन की अनुमति नहीं थी। नहीं या अनुमति नहीं थी या अधिकार नहीं था, अर्थात वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। भाई यहाँ पर विवाह को किसको क्या मान लिया गया, इनका उपनयन संस्कार मान लिया गया था, इस कारण कहा जाता है पर दोस्तों इनको वेद अध्ययन करने का अधिकार छीन लिया गया, अधिकार नहीं था। और यहीं से हमें जानकारी मिलती है, प्रदा प्रथा सती प्रथा की जानकारी भी मिलती है। यहाँ से क्या जानकारी मिलती है हमें, प्रदा प्रथा और सती प्रथा की जानकारी भी यहीं से मिलती है। देखिएगा इसी काल में प्रदा प्रथा व सती प्रथा की जानकारी मिलती, जानकारी प्राप्त होती है। यहां से अर्थात प्रदा प्रथा और सती प्रथा का अस्तित्व हो गया था गुप्त काल से, और कहा जाता है सती प्रथा पूर्णतः स्थापित ना हुई थी। ये जरूरी है कि भाई सती प्रथा पूर्णतया स्थापित नहीं हुई थी। पत्नी निज को निजी संपत्ति समझा जाने लगा था, मृत्यु पर भी साथ देने की आशा की जाने लगी थी। ठीक है, पत्नी को क्या समझाना जाने लगा था, पत्नी को निजी संपत्ति संपत्ति समझा जाने लगा था, जाने लगा। ठीक है, और मृत्यु पर भी साथ देने का, और मृत्यु के समय भी साथ दे, मृत्यु के समय भी साथ निभाए, ऐसा साथ निभाने का प्रलोभन हुआ करता था लोगों को। ये मृत्यु के समय भी पत्नी साथ निभाएगी, ऐसी मान्यता थी। इस कारण कहा जाता है कि ये सती प्रथा का अस्तित्व आया था। मरने के बाद भी कौन पत्नी साथ निभाए, ऐसी जानकारी है। अपन कहते हैं ना, 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, 7 कदम साथ चलने तो विवाह हो जाता, 7 फेरे ले ले तो विवाह हो जाता। उसी प्रकार से कहा जाता है कि मृत्यु मृत्यु के समय सती प्रथा से क्या मतलब होता है प्यारे दोस्तों, ये अस्तित्व को नहीं, ये साथ इस समय सती प्रथा हुआ करती थी। वो क्यों हुआ करती थी, साथ देने के लिए हुआ, इसके लिए हुआ करती थी, इसका साथ देने के लिए सती प्रथा हुआ करती थी प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, सती प्रथा पूर्णतः स्थापित नहीं हुई थी। प्रदा प्रथा उत्तर भारत में थी, दक्षिण भारत में नहीं थी। अजंता के चित्रों से घूंघट नहीं मिले हैं। ठीक है, वो जो प्रदा प्रथा है ये उत्तर भारत में थी, दक्षिण भारत में नहीं थी, और अजंता के जो चित्र मिले वहां से प्रदा प्रथा की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, वेश्यावृत्ति थी, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी, ये भी ध्यान रखना, वेश्यावृत्ति थी। ठीक है, वेश्यावृत्ति तो चलती थी, अर्थात यहाँ पर वेश्याओं के लिए वेश्यालय बनाए गए थे, अर्थात हवस की वस्तु कौन बन गई थी भाई, महिलाएं बन गई थी, अर्थात महिलाओं की स्थिति में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती। सीधी सी बात है कि महिलाओं की स्थिति में गुप्त काल में गिरावट देखने को मिलती, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। आगे चर्चाएं करें, आगे जो बात करें गुप्त काल में सिक्के, भाई कुछ वैसे तो बातें हम कर चुके हैं, गुप्त काल के सिक्के, गुप्त काल के वैसे तो हम सबकी बातें कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा बता देता हूँ मैं, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सभी के सिक्कों के जिक्र साथ के साथ हमने राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ी थी, उसके साथ साथ हमने सिक्कों की जिक्र किया था भाई। चलिएगा, भारतीय मुद्रा इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी गुप्त शासकों ने किए थे। भारत में जो मुद्रा का इतिहास रहा है उसमें सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासकों ने गुप्त शासक को माना जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रख लेना, यहाँ पर मुख्य मुख्य चीजें हैं वो ध्यान रख लेना। भारतीय इतिहास में
में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए, गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए द्वारा चलाए गए के द्वारा चलाए गए भी गुप्त शासकों द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई, ये विशेष रूप से ध्यान रख लेंगे। अब बात करें तो स्वर्ण सिक्के कहा जाते हैं गुप्तकालीन मुद्राएं को राष्ट्रीय मुद्रा या प्रचार मुद्रा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को? क्या कहा जाता था इन स्वर्ण सिक्कों को? इनको भाई स्वर्ण स्वर्ण सिक्कों को किसकी बात करें? स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? एक तो राष्ट्रीय मुद्रा, क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता। और क्या कहा जाता भाई? ये राष्ट्रीय मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता। और क्या कहा जाता है यहाँ पर? प्रचार मुद्रा भी कही जाती। और क्या कहा जाता है इनको? या फिर बात करें प्रचार मुद्रा, प्रचार मुद्रा, प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। इनको दोनों नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण सिक्कों को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय मुद्रा मुद्रा या प्रचार मुद्रा भी गुप्त काल में कहा जाता है। कहा जाता है गुप्त चंद्रगुप्त कुमार देवी के प्रकार के सिक्के गुप्त में प्रथम स्वर्ण सिक्का माना जाता है। किसका भाई? चंद्रगुप्त और कुमार देवी के स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में सोने के प्रथम सिक्के माने जाते हैं। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त कुमार देवी, चंद्रगुप्त कुमार देवी डायरेक्टली, चंद्रगुप्त कुमार देवी, कुमार देवी के देवी प्रकार के सिक्के, देवी प्रकार के सिक्के प्रथम स्वर्ण सिक्के माने जाते हैं। प्रथम स्वर्ण सिक्के माने जाते हैं। वो सिक्के थे अर्थात कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रकार के जो सिक्के थे ये किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। लेकिन ये कुमार देवी से विवाह कर लेता है तो कहा जाता है कि इसी के नाम पर ये सिक्के चलाने का कार्य करता है। और कार्य करने के पश्चात ये प्रथम सिक्के चलाए थे जो स्वर्ण सिक्के माने जाते हैं। प्यारे दोस्तों कौन से सिक्के चलाए थे इसने? प्रथम स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे इसके द्वारा। अब बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर कुमार गुप्त से चंद्रगुप्त से कुमार गुप्त तक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनका वजन कम हुआ करता था। लेकिन कहा जाता है तो यहाँ पर देखिए एक तो बात करें तो यहाँ पर क्या बात करें प्यारे दोस्तों? मुद्राओं का वजन किसका? मुद्राओं मुद्राओं का वजन का स्वर्ण मुद्राओं का, ये ध्यान रखना। क्या भाई? स्वर्ण मुद्राओं, स्वर्ण मुद्राओं का वजन किसका भाई? स्वर्ण मुद्राओं का, स्वर्ण मुद्राओं का वजन। यहां पर ध्यान रखना है स्वर्ण मुद्राओं का वजन। स्वर्ण मुद्राओं का वजन देखें तो यहां पर अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग वजन के सिक्के चलाए गए। किस प्रकार से देखिएगा यहां पर वजन किस में? ग्रेन में मापा जाता था। सबसे पहले तो ग्रेन में मापा जाता था। किस में मापा जाता था भाई? मुद्राओं का वजन पूछ लिया जा सकता है आप किसी भी प्रकार से कि कुमार गुप्त के द्वारा कितने ग्रहण के सिक्के चलाए गए, चंद्रगुप्त के द्वारा कितने ग्रहण के सिक्के, समुद्रगुप्त के द्वारा कितने ग्रहण के सिक्के, ये पूछ लिया जाता है। तो गुप्त में कहा जाता है तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा का जो वजन हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? स्वर्ण मुद्रा का वजन 12.19 ग्रेन हुआ करता था। गुप्त गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा का वजन 12.19 ग्रेन, कितना ग्रेन? कितना ग्रेन था?
ज्यादातर अक्षर जो प्रारंभिक चलाया गया उसका वजन कितना था भाई, ग्रेन में नापा जाता था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, मुद्राओं का वजन किसमें मापते थे, ग्रेन में मापते थे। उसके बाद चर्चा करें तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों कुमारगुप्त से बढ़कर 127 ग्रेन का चलाता है। कौन? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कितने ग्रेन का चलाता है भाई? कुमारगुप्त ने 127 ग्रेन का चलाया। कितने ग्रेन का? कुमारगुप्त ने कितना चलाया? 127 ग्रेन का। कितने ग्रेन का? 127 ग्रेन का मुद्रा है। और इसके पश्चात समुद्रगुप्त, किसकी बात करें, समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के द्वारा जो चलाया गया सिक्का था 144 से 146 ग्रेन का, 144 से 146 ग्रेन का सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? ये समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए थे। ये मुख्य मुख्य, और कहा जाता है कि यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं को दिनारा कहा जाता है। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त काल में दिनार कहा जाता। क्या कहा जाता भाई? दिनार कहा जाता। और दिनार कहते हुए प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, इसकी जानकारी इसके स्वर्ण अभिलेखों से मिलती है, गुप्त काल के स्वर्ण अभिलेखों से या स्वर्ण सिक्कों से हमें मिलती है। ठीक है, तो दिनार क्या? दीनार किसको कहते हैं? स्वर्ण मुद्रा। किसको कहते हैं? स्वर्ण मुद्रा। क्या कहते हैं? स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे गुप्त काल में, याद रखना ना, गुप्त काल में क्या कहते भाई? दीनार कहते थे। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है मेरे दोस्तों गुप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रभाव कुषाण मुद्राओं का था। कब था भाई? गुप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रभाव किसका था? गुप्त मुद्राओं में, किसकी बात कर रहे हैं? गुप्त मुद्राओं में, गुप्त मुद्राओं में, गुप्त मुद्राओं में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभाव कुषाण मुद्राओं का था। किसका था? कुषाण मुद्राओं का था, मुद्राओं का था। अर्थात ये कुषाणों के सामंत माने जाते हैं गुप्तों को, तो इसकी कारण कहा जाता है जब इनसे पहले कौन हुए? कुषाण हुए, तो उनके संबंधी, उनसे संबंधित ही ये सिक्के चलाएंगे। सीधी सी बात है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गुप्त काल के मुद्राओं पर कौन से वंश का प्रभाव पड़ता है? कुषाण वंश का। किस वंश का प्रभाव पड़ता है गुप्त काल की मुद्राओं पर? गुप्त काल की मुद्राओं पर कुषाण वंश का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गुप्तों को कुषाणों का वंशज माना गया है। श्री गुप्त का कहा जाता है कि ये कुषाणों का वंशज था, और श्री गुप्त के द्वारा बाद में गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कुषाणों ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, और घोषित कर देने के पश्चात प्यारे दोस्तों तो इनके पहले कुषाण ही हुए थे, सीधी सी बात है, तो उनका प्रभाव इन पर देखने को मिलता ही है। कहाँ से मिलता है भाई? इनकी मुद्राओं से देखने को मिलता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों आपको? गुप्त शासकों ने सर्वाधिक धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए। कौन से चलाए भाई? धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए। और ऐसा जो शासक था वो सर्वाधिक सिक्के चलाने वाला कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था भाई? समुद्रगुप्त था। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के धनुर्धारी, सर्वाधिक सर्वाधिक सिक्के किस प्रकार के थे? सिक्के धनुर्धारी धनुर्धारी प्रकार के। ठीक है, किस प्रकार के चलाए गए थे? सर्वाधिक जो सिक्के चलाए गए धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए गए। और क्या जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों? हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि यहाँ पे चंद्रगुप्त ने कुमार देवी के साथ दुर्गा का चित्र लगाया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु का चित्र लगाया। कुमारगुप्त ने कार्तिकेय का चित्र लगाया। उसके बाद समुद्रगुप्त ने व्याघ्र निहंता का चित्र लगाया। ये सारी जानकारियां हमें कहाँ से? गुप्तकालीन सिक्कों से मिलती है। ज्यादा रजत मुद्राएं कहा जाता है कि ये रजत मुद्रा चलाने का वाला प्रथम शासक था वो कौन था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये भी ध्यान रखना, रजत यानी कि चांदी, कौन सी मुद्रा चलाने वाला, प्रथम गुप्त शासक कौन था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्र
गुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिसे कहते हैं अपन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया था, सर्वप्रथम कौन सी रजत मुद्राएं चलाने का काम किया था, यानी कि सबसे पहले स्वर्ण चांदी की मुद्राएं चलाने वाला कौन था, यही था चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है प्यारे दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, और सर्वप्रथम याद रह जाएगा ताम्र के सिक्के चलाने वाला, तांबे के सिक्के चलाने वाला कहा जाता है, अल्प मात्रा में चलाए गए थे, बहुत कम मात्रा में चलाए गए थे, और सर्वप्रथम रामगुप्त के द्वारा, तो ये भी ध्यान रख लेना। तांबे के सिक्के चलाने वाला, तांबे के सिक्के चलाने वाला गुप्त शासक, गुप्त शासक रामगुप्त कौन था, रामगुप्त था, ठीक है। ये अल्प मात्रा में चलाए गए थे, ये अल्प यानी बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में चलाए गए, में चलाए गए, ठीक है, अल्प मात्रा में चलाए गए थे, बहुत कम मात्रा में चलाए गए थे, ना के बराबर, लेकिन क्योंकि ये रहा ही थोड़े से टाइम है, तो रामगुप्त तो इस कारण थोड़े से टाइम ही रहा, तो थोड़े से टाइम ही चला कर ही चला गया, ठीक है। तो ये जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है भाई। और बात करें चांदी और तांबा के मिश्रित सिक्के कुमार गुप्त प्रथम ने चलाए थे, उसके द्वारा चलाए गए थे, दरब कहते थे, क्या कहते थे, दरब, क्या कहते थे, दरब, क्या है ये दरब, दरब चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के, चांदी प्लस तांबे के मिश्रित सिक्के, मिश्रित सिक्के, ठीक है। और ये किसने चलाए भाई, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा चलाए गए, ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा चलाए गए, चलाए किसके द्वारा, चलाए जो गए कुमार गुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा चलाए गए, ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा ये चलाए गए, ध्यान रखना, किसके द्वारा चलाए गए भी, ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा ये चलाए गए थे, विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है भाई, किस प्रकार से, किस प्रकार से देखे, अब देखिएगा तो ये सारी जानकारी हो जाती है मेरे दोस्तों। तो सिक्कों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, किस प्रकार से किसने कौन से सिक्के चलाए थे, अर्थात सर्वाधिक स्वर्णकाल या सर्वाधिक सिक्के जो चलाए जाते हैं वो गुप्त काल में चलाए जाते हैं, कौन से काल में चलाए जाते हैं, गुप्त काल में चलाए जाते हैं। और आपको पता है कि पूरे भारतीय इतिहास में इसे गुप्त काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये तो इसके राजनीतिक प्रशासनिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए कहा जाता है, इसको कहा जाता है, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं भी इसमें सर्वाधिक चली हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं इसके प्रशासन की, गुप्त काल का प्रशासन किसकी बात कर रहे हैं, गुप्त काल का प्रशासन, प्रशासन गुप्त काल का प्रशासन प्रकार से था, क्या था, ये थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। गुप्तकाल का प्रशासन या गुप्तकालीन प्रशासन, क्या व्यवस्थाएं हुआ करती थी गुप्तकाल में, कहा जाता है एक तो भाषा की बात करें तो भाषा बोली जाती है गुप्तकाल में, जो मुख्य भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत भाषा हुआ करती थी, यहाँ पर विकेंद्रीकृत, और मौर्य काल में तो केंद्रीकृत शासन माना जाता था, यहाँ का जो शासन है वो विकेंद्रीकृत माना जाता है, कौन सा माना जाता है, विकेंद्रीकृत, सत्ता का स्थानांतरण किया जाएगा, अर्थात सत्ता को बांट दिया जाएगा, जिस प्रकार से वर्तमान का शासन है उसी प्रकार से इनका विकेंद्रीकरण, अर्थात जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन माना जाता है। और इनकी सबसे पहले बात करते हैं हम भाषा की, इसकी बात करें भाई, भाषा यहाँ की भाषा क्या थी, यहाँ की भाषा थी संस्कृत, कौन सी थी भाई, संस्कृत थी भाई, संस्कृत। दूसरी बात करें राजधानी क्या थी भाई, मुख्य राजधानी, राजधानी, और राजधानी क्या हुआ करती थी गुप्तों की, यहाँ का मुख्य राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, कौन सी, पाटलिपुत्र, कौन सी थी, पाटलिपुत्र, याद रखना जिसे वर्तमान में पटना कहा गया, ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, पाटलिपुत्र। यहाँ पर सामंतवादी प्रवृत्ति की में वृद्धि हुई, क्या, इसकी विशेषता क्या थी भाई, सामंतवादी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, क्या हुई, इसकी विशेषता क्या है, सामंत
वादी प्रवृत्ति, सामंतवादी प्रवृत्ति प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। क्या हुई भी? वृद्धि हुई, ठीक है। अर्थात इस काल में सामंत व्यवस्था और अधिक हुई, अर्थात नीचे तौर पर जाती गई। व्यवस्था कहां तक? नीचे तक, अर्थात जनता के हाथ तक व्यवस्थाएं संचालित करने के लिए पहुंच गई। इस प्रकार से इसमें क्या होता है और क्या करें प्यारे दोस्तों, यहां पर प्रशासन की दो 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 प्रकार के प्रशासन की दो नई बातें क्या है प्यारे दोस्तों, पद आनुवांशिक होता था और एक व्यक्ति को एक से अधिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता था। यहाँ के पद कैसे होते थे? एक तो आनुवांशिक पद भी देखा गए हैं, यहाँ पर क्या देखे गए? आनुवांशिक पद देखे गए हैं और एक ही व्यक्ति को, जिस प्रकार से अपन राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं एक व्यक्ति को। जहां पर क्या जानकारी मिलती है हमें, जानकारी जो मिलती है प्यारे दोस्तों वो मिलती है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक स्थानों का एक ही पद पर रह सकता है, एक ही समय पर एक ही दो पदों पर रह सकता है। और उसके बाद अभी भी तो कर रहे थे ना, हमारे वित्त मंत्री भी बन जाते हैं, रक्षा मंत्री भी एक ही बन जाता है, अर्थात वित्त मंत्री रक्षा मंत्री एक एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों, किसी प्रकार से ये भी जानकारी हमें मिलती है, सामंतवादी व्यवस्था थे, सामंतवादी व्यवस्था क्या है प्यारे दोस्तों, अर्थात यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण था, ठीक है। और वंशानुगत व्यवस्था थी, अर्थात जब पिता कोई सामंत था तो उसके बाद उसका बेटा सामंत बनेगा, ये वंशानुगत व्यवस्था हुआ करती थी। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई, जानकारी भी हमें यहीं से मिलती है। केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन को देवी सिद्धांत माना गया है। केंद्र का प्रमुख बिंदु या केंद्र का प्रमुख बिंदु किसको माना गया है भाई, केंद्र का प्रमुख बिंदु सम्राट को माना गया। ये केंद्रीय प्रशासन की बात करें, किसकी बात करें, केंद्रीय प्रशासन की बात करें, केंद्रीय प्रशासन किसकी बात करें, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो प्यारे दोस्तों इसका प्रमुख बिंदु, केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख बिंदु, प्रमुख प्रमुख बिंदु की बात करें या प्रमुख या सर्वोच्च अधिकारी, प्रमुख बिंदु किसको माना गया है, प्रमुख केंद्र या बात प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र को माना गया है, प्रमुख केंद्र माना गया है सम्राट को। किसको माना गया है भाई, सम्राट को। किसको माना गया है, सम्राट या राजा, जो सम्राट या राजा को माना गया है इसका प्रमुख बिंदु या प्रमुख केंद्र जो बताया गया केंद्रीय व्यवस्था का, वो कौन होता था, सम्राट हुआ करता था। देवी उत्पत्ति पे विश्वास रखते थे क्योंकि इन पर देवता का अधिकार या सर्वोच्च उपाधि धारण करते थे। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों गुप्त शासक स्वयं को विष्णु का अवतार मानते थे, ठीक है। क्या मानते थे भाई, ये देवत्व सिद्धांत के आधार पर हुआ करते थे, ये जनता के लिए देवता के समान हुआ करते थे। राजा क्या हुआ करते थे, या सम्राट हुआ करते थे, अर्थात जिनको देवता को राजाओं को ईश्वर यानी ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत के रूप में कार्य करता था, अर्थात ये भी देवता ही है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया देवता है। तो ये राजा या सम्राट जनता का देवता हुआ करता था, क्या हुआ करता था भाई, जनता का देवता हुआ करता था। और बात करें जनता इनमें विश्वास करती थी, क्या विश्वास करती थी भाई, देवी सिद्धांत के आधार पर विश्वास करती थी। और देखने को मिलता है हमें, क्या जानकारी मिलती है, इन्हें गुप्त शासक को विष्णु का अवतार मानते थे। क्या मानते थे, गुप्त शासक को, गुप्त शासक को विष्णु का अवतार अवतार माना जाता था, माना जाता, गुप्त शासक को विष्णु का अवतार माना जाता था। याद रखिएगा यहाँ की जो जनता है वो किसका अवतार मानते थे, भगवान विष्णु का अवतार मानकर कहा जाता है कि इसको, और गुप्त शासक स्वयं को विष्णु का अवतार मानता था, ठीक है। धर्म विजय, अर्थात धर्म विजय का मतलब है कालिदास के अनुसार राजा अधीन कर छोड़ देना। धर्म विजय क्या कहलाती थी भाई, एक जो शब्द है ये ध्यान रखना है आपको, धर्म विजय, धर्म विजय, धर्म विजय क्या होती थी, धर्म विजय वो होती है प्यारे दोस्तों, राजा कौन, राजा, राजा किसी व्यक्ति को अधीन करके छोड़ देता था, किसी सामंत को, सामंत को अधीन करके क्या करता था, अधीन कर लेता था, आ, और छोड़ देता था, छोड़ देता।
अधीन करके अर्थात तेरे को मेरी अधीनता स्वीकार करनी, राजा तो कौन रहेगा, मैं ही रहूंगा, राजा तो मैं ही रहूंगा, लेकिन तेरे को टाइम टाइम पर मेरे को टैक्स देता रहना। और उस प्रकार से इसे क्या कहा गया, धर्म विजय कहा गया। जिस प्रकार से राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, उसी प्रकार से कहा जाता है कि यहाँ पर क्या धर्म विजय हुआ करती थी। और धर्म विजय के पश्चात कहा जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ करती थी भाई, यहाँ पर हुआ करती थी कि राजा किसी भी व्यक्ति पर अधिकार कर लेता था, या किसी भी राजा के ऊपर दूसरे सामंत पर अधिकार कर लेता था, उसको अधीनता स्वीकार करता और आप उस प्रकार से स्वतंत्र छोड़ देता। आपके राजा आप ही हैं, लेकिन मुख्य अधिकारी कौन रहूंगा, मैं रहूंगा, मेरे अनुसार काम करोगे, जो भी मुख्य जो सलाह लेनी पड़ेगी आपको, और टाइम टाइम पर टैक्स देना पड़ेगा। ये हुआ करती थी धर्म। और बात करें, और क्या जानकारी मिलती है भाई, प्रभावती गुप्त वाकाटक राज्य की शासिका बनी, बनी भाई वाकाटक राज्य की शासिका बनी। आमात्य राजा का सहयोग के लिए मंत्री परिषद को कहता था, ठीक है। आमात्य किसको कहा जाता, आमात्य हुआ करता था, आमात्य 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 क्या हुआ करता था फिर दोस्तों, ये मंत्री परिषद हुआ करती थी एक प्रकार। क्या हुआ करती थी ये मंत्री परिषद, या मंत्री परिषद के सहयोग के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष हुआ करता था, या मंत्री परिषद को आमात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई, मंत्री परिषद को, राजा के सहयोग के लिए मंत्री परिषद को कहता, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखे भाई, मंत्री परिषद, राजा के सहयोग के लिए मंत्री परिषद, ठीक है। राजा के लिए अमात्य क्या कहलाते हैं भाई, राजा के लिए मंत्री परिषद होता था, जिसका प्रमुख हुआ करता था उसको आमात्य कहा जाता। क्या कहा, जिसका प्रमुख होता था मंत्री परिषद का, उसको आमात्य कहा जाता था। और बात करें भाई आमात्य के बाद दूसरी बात करें, तो यहां पर क्या जानकारी मिलती भाई, यहां पर जो जानकारी मिलती भाई, देखिए आमात्य के बाद बात करें, यहाँ पर गुप्त अभिलेख में इसे निम्न पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से पदाधिकारी, यहाँ पर पदाधिकारियों की बात करें, किसकी बात करें, पदाधिकारी पदाधिकारी किसकी बात करें, पदाधिकारी कौन कौन से पदाधिकारी है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। प्रकार सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करें भाई, प्रतिहार, इस सम्राट के अंतपुर का प्रमुख हुआ करता था। किसकी बात करें, प्रतिहार, सम्राट के, सम्राट के अंतपुर का प्रमुख, सम्राट के अंतपुर का प्रमुख हुआ करता था, उसे क्या कहा गया, प्रतिहार कहा गया। क्या कहा गया भाई, प्रतिहार कहा गया। और बात करें तो यहां पर महाप्रतिहार, या राजमहल के रक्षकों का प्रमुख, महाप्रतिहार, महाप्रति हार, महाप्रतिहार किसको कहा गया, राजमहल के, राज महल के रक्षकों का प्रमुख, राजमहल के रक्षकों का प्रमुख क्या कहलाता, महाप्रतिहार कहलाता। क्या कहलाता भाई, महाप्रतिहार कहलाता, महाबलिधिक, महाबलाधिकृत, ये कहलाता सेना का सर्वोच्च अधिकारी, या मना महासेनापति भी कहते, महाबलाधिकृत, महा महा बला ही कृत, महाबलाधिकृत, ये क्या कहलाता, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, अधिकारी या महासेनापति भी कह सकते भाई इसको, क्या कह सकते हैं, प्रमुख सेनापति, क्या सेना, क्या कह सकते हैं इसको, महासेनापति या प्रमुख सेनापति भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं माई, महासेनापति, ये भी ध्यान रखना, क्या कह सकते हैं, महासेनापति, क्या कह सकते हैं इसको, महासेनापति भी कह सकते, ठीक है। ये सेना का सर्वोच्च, महाबलाधिकृत क्या हुआ करता था, इस सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, अर्थात सेना की देखरेख किसके संरक्षण में होगी, इस महाबलाधिकृत के संरक्षण में होगी। संधि विग्रहिक, ये युद्ध व शांति का मंत्री, संधि विग्रहिक कौन पे है दोस्तों,
संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक ये कौन होता? ये युद्ध व शांति का मंत्री, युद्ध व शांति मंत्री, युद्ध व शांति मंत्री, अर्थात या तो युद्ध करना हो या शांति रखनी हो, ये किसका अधिकार हुआ करता? ये इसका हुआ अधिकार हुआ करता। ये भी ध्यान रखनी है, ये भी ध्यान रखना, विशेष रूप से सारी चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या करना है भाई? विशेष रूप से ध्यान रखने है। दंड नायक, दंड नायक की बात करें, ये न्यायाधीश होता, दंडपासिक पुलिस होती, दंड नायक, दंड नायक क्या होता? न्यायाधीश, चलिए बताओ न्यायाधीश क्या होता है? ये न्यायाधीश क्या होता? न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या होता है? ये न्यायाधीश होता। और बात करें यहां पर क्या जानकारी मिलती है, दंडपासिक, कौन? दंडपासिक कौन होता? दंडपासिक होता पुलिस। क्या होती है? पुलिस, पुलिस को क्या कहते? दंडपासिक कहते। पुलिस को क्या कहते थे यहां पर? दंडपासिक कहा जाता, कहां पर? गुप्त काल में। और बात करें खाट पासिक, खाट पासिक क्या होता पहले दोस्तों? यहां पर खाट पासिक भोजनालय अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं खाट पासिक की बात कर रहे हैं भाई, खाट पासिक, खाट पासिक, खाट पासिक क्या होता भाई? भोजनालय अध्यक्ष। क्या होता? भोजनालय, भोजनालय अध्यक्ष, अध्यक्ष होता भोजनालय अध्यक्ष हुआ करता। खाट पासिक क्या होता? खाट पासिक होता भोजनालय अध्यक्ष। इसके बाद कुमारा मात्य, कुमार मात्य ये उच्च अधिकारी वर्ग, कुमारा मात्य क्या? कुमारा मात्य, और कुमारा मात्य क्या होता? ये उच्च अधिकारी वर्ग होता। क्या होता? उच्च अधिकारी वर्ग, उच्च उच्च अधिकारी वर्ग, प्रकार से आईएएस अधिकारी होते हैं ना, उस प्रकार से आईएएस अधिकारी होते हैं ना, इसी प्रकार से उस जमाने का आईएएस अधिकारी होता, उच्च अधिकारी का वर्ग होता पहले दोस्तों, जिसे कुमार मात्य, जिनको अलग अलग स्थानों पर लगाया जाता था शासन व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक वर्ग के लिए, ये क्या कहलाते? कुमार मात्य कहलाते थे। कई सारे कलेक्टर अलग अलग स्थानों पर इस तरीके से लगाए जाते थे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्या करें नेक्स्ट? नेक्स्ट बात करते हुए अब बात करने जा रहे हैं प्रांतीय प्रशासन। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? प्रांतीय प्रशासन, बात करने जा रहे हैं दोस्तों प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, पहले केंद्रीय प्रशासन देखा, अब प्रांतीय प्रशासन। अब क्या होता भाई? प्रांतीय प्रशासन की जिक्र करें, यहां पर क्या जानकारियां मिलती हैं हमें वो ध्यान से देखिए। प्रांतीय प्रशासन की हम बात करने जा रहे हैं, क्या क्या जानकारियां मिलती है ये ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, क्या क्या जानकारियां मिलती है भाई? प्रांत यानी प्रांत को देश अवनि कहा जाता। क्या कहा जाता? प्रांत को क्या कहा जाता? प्रांत को क्या कहा जाता भाई? प्रांत को देश या अवनि कहा जाता। क्या कहा जाता? प्रांत को क्या कहा जाता? प्रांत को देश, प्रांत को देश या अवनी, क्या कहा जाता? अवनी कहा जाता।
प्रांत को देश या अवनी कहते थे, ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, प्रांत को क्या कहते थे, देश या अवनी कहते थे। प्रांत को देश या अवनी कहते थे, चलिएगा। चलिए बेटा अब बात कर रहे हैं किसकी, इसके बारे में भाई, ये तो प्रांतीय प्रशासन, प्रांत को देश या अवनी कहा जाता, अर्थात प्रमुख युद्ध प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार प्रथम जो प्रयोग मिलता है यहाँ पर दो प्रांतों की तरह, यानी कि सीमांत प्रांत और आंतरिक प्रांत, ठीक है, सीमांत दो प्रकार के प्रांतों देखने के लिखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, किसके अनुसार, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, ठीक है, अनुसार कितने, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दो प्रांत, दो प्रकार के प्रांत, प्रांतों के कितने प्रकार, दो प्रकार, कितने प्रकार के प्रांत, दो प्रकार के, एक तो पहला की बात करें, तो पहले की बात करें प्यारे दोस्तों, स्पष्ट जो है वो कौन सा प्रांत है यहाँ पर भाई, एक तो कहा जाता है सीमांत प्रांत, यानी सीमांत प्रांत कौन सा होगा, सीमाओं पर जो रहता, कौन सा, सीमांत प्रांत, कौन सा भाई, सीमांत प्रांत, कौन सा भाई, सीमांत प्रांत, और सीमांत प्रांत का जो प्रमुख होता है, इसका प्रमुख, इसका प्रमुख होता है प्यारे दोस्तों, इसका प्रमुख की बात करें, इसका प्रमुख कौन होता था, इसके प्रमुख की बात करें तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो कौन होता था, गोप्ता, क्या कहते थे भाई, इसका प्रमुख को गोप्ता कहते थे, क्या कहते थे भाई, इसका प्रमुख को गोप्ता कहते थे, क्या कहते थे, इसके प्रमुख को गोप्ता कहते थे। दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर का जो आता है प्यारे दोस्तों, पहला तो सीमांत प्रांत, दूसरा आंतरिक प्रांत, कौन सा भाई, आंतरिक प्रांत, आंतरिक का प्रमुख होता था ऊपरी महाराजा, क्या, दूसरे की बात करें तो आंतरिक प्रांत, कौन सा, आंतरिक प्रांत, कौन सा भाई, आंतरिक प्रांत, और आंतरिक प्रांत का जो प्रमुख हुआ करता था यहाँ का प्रमुख, इसकी बात करें यहाँ का प्रमुख कौन होता था, यहाँ का प्रमुख, और यहाँ के प्रमुख की बात करें ऊपरिक महाराजा, क्या, ऊपरिक महाराजा कौन हुआ करता था, ऊपरिक महाराजा हुआ करता था, ये आंतरिक प्रांत का जो प्रमुख हुआ करता था उसको ऊपरी महाराजा कहते थे, बाह्य प्रांत या सीमांत प्रांत का जो होता था वो गोप्ता कहलाता था, क्या कहलाता था भाई, गोप्ता कहलाता था। बुद्धगुप्त के एरन अभिलेख में कहा जाता है प्रांत के गवर्नर को लोकपाल कहा जाता है, क्या कहा जाता भाई, लोकपाल भी कहा जाता, प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और किसके अनुसार, बुद्धगुप्त के ग्रंथ के अनुसार हमें जानकारी मिलती है, गुप्त के एरण लेख के अनुसार, तो बुद्ध गुप्त के एरण लेख में किसको, प्रांत यानी कि प्रांत का के गवर्नर को, प्रांत के गवर्नर को लोकपाल कहा गया, क्या कहा गया, लोकपाल, क्या कहा गया भाई, लोकपाल कहा गया, क्या कहा गया भाई, लोकपाल कहा गया, प्रांत का गवर्नर को क्या कहा गया, लोकपाल कहा गया, याद रखिएगा, इसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों जिला प्रशासन, किसके बात करें हम, नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जिला प्रशासन, किसकी बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, जिला प्रशासन किसकी बात करने जा रहे हैं भाई, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, क्या, जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन किस प्रकार से हुआ करता था ये देखना, तो जिले को विषय कहा जाता, क्या कहा जाता भाई, जिले को विषय कहा जाता, मौर्य काल में आहार कहा जाता, यहाँ जिले दो तरह के अधिकारी होते, एक तो विषयपति, एक कुमार मात्य, क्या, विषयपति और कुमार मात्य, ठीक है, तो जिले को क्या कहा जाता, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जिले किसको प्यारे दोस्तों, जिले को विषय कहा जाता, क्या कहा जाता भाई, विषय कहा जाता, जिले को क्या कहा जाता, विषय कहा जाता था, ठीक है, जाता था, जिले को विषय कहा जाता था, क्या कहा जाता था भाई, जिले को विषय कहा जाता था,
और यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन है, इस विषय की बात करें, जिले को विषय कहा जाता था और मौर्य काल में जिले को आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जिले को आहार कहा जाता था। यहाँ पर भी दो प्रकार के जिले बताए गए हैं, दो प्रकार के जिलों का जिक्र किया गया है। कौन कौन से? एक तो विषयपति और जिले के अधिकारी की बात, सॉरी, जिले के दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। कितने प्रकार के? जिले के दो प्रकार के अधिकारी, किसकी बात कर रहे हैं? जिले के दो प्रकार के अधिकारी बताए गए। एक तो विषयपति, कौन सा? पहली बात करें तो विषयपति, कौन सा प्यारे दोस्तों? विषयपति, कौन भैया प्यारे दोस्तों? विषयपति। और दूसरे की बात करें तो जो सेकंड नंबर का है उसे क्या कहा जाता? कुमार मात्य। कौन? क्या कहा जाता इसे? कुमार मात्य। कुमार मात्य क्या कहा जाता भाई? दूसरे नंबर के अधिकारी को कुमार मात्य। इनकी नियुक्ति कौन करता? इनकी नियुक्ति की बात करें, इनकी नियुक्ति नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और इसकी नियुक्ति नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अलग अलग के द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा? विषयपति की जो नियुक्ति की जाती है पहले दोस्तों, वो कहा जाता है कि संबंधित प्रांत के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। संबंधित जो प्रांत होगा उसका राज्यपाल करेगा। और इस कुमार मात्य की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है भाई? सम्राट के द्वारा इस दूसरे वाले की नियुक्ति की जाती है। आगे बात करें प्यारे दोस्तों तो क्या क्या जानकारियां हमें मिलती है। तो यहाँ पर नगर का प्रधान होता था, विषय नगर में कहा जाता है, विषय में समिति या प्रमुख सदस्य। क्या? नगर में समिति या प्रमुख सदस्य होती थी। क्या? नगर में प्रमुख समितियों का करती थी। देखिएगा किस प्रकार से हमें जानकारी मिलती है, समिति समिति और वह सदस्य, उसके सदस्य, ठीक है, समिति व सदस्य, अर्थात नगर की जो समिति हुआ करती थी उसके सदस्य और समिति किस प्रकार से होते थे वो जानकारी मिलती है। नगर श्रेष्ठी, ये श्रेणियों का प्रधान होता था। नगर नगर श्रेष्ठी, किसकी बात करें? नगर श्रेष्ठी, ये क्या होता था? श्रेणियों का प्रधान। किसका? श्रेणियों का प्रधान। किसका प्रधान हुआ करता था? श्रेणियों का प्रधान हुआ करता था नगर श्रेष्ठी। उसके बाद बात करें प्यारे दोस्तों क्या होता था? सर्वाह, सर्वाह व्यापारियों या व्यवसायियों का प्रधान। सार्थवाह, किसकी बात करें? सार्थवाह हुआ करता था इसका व्यवसायों का प्रधान, व्यवसायों का प्रधान। व्यवसायों का प्रधान कौन हुआ करता था? ये सार्थवाह व्यवसायों का प्रधान हुआ करता था। प्रमुख कुलिक, प्रथम कुलिक ये प्रधान शिल्पी हुआ करता था। प्रथम कुलिक कौन हुआ करता था भाई? प्रधान शिल्पी। प्रथम कुलिक ये क्या हुआ करता था? प्रधान शिल्पी यानी कि इंजीनियर क्या हुआ करता था ये? प्रधान शिल्पी की बात करें तो ये जो भी नगर में नियोजन करवाना या नगर में निर्माण करवाना तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा भाई? ये प्रथम कुलिक के द्वारा की जाती, अर्थात जो भी निर्माण कार्य करवाया जाएगा वो किसके आदेश पर करवाया जाएगा? इस प्रधान कुलिक के आधार पर करवाया जाएगा। और बात करें प्रथम कात्रशे, क्या? प्रथम कायस्थ की बात करें तो लिपिकों का प्रमुख होता था। प्रथम कायस्थ किसकी बात करें? प्रथम कायस्थ ये लिपिकों का, किसका पैर दोस्तों? लिपिकों का प्रमुख। किसका? लिपिकों का प्रमुख, बाबुओं का प्रमुख, यानी कि किसका? लिपिकों का प्रमुख हुआ करता था। ये इस प्रकार से हमें मौर्य के जो जिला है उसकी जानकारी मिलती है पैर दोस्तों। और क्या क्या जानकारियां मिलती है ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करें तो पुस्तकालय, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राम, सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी गांव, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। क्या? ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन किस प्रकार से हुआ करता था ये भी ध्यान रखना है आपको। ग्रामीण प्रशासन में किया प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कह रहे दोस्तों? ये प्रशासन, प्रशासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई इकाई
क्या होती थी, गांव हुआ करता था या ग्राम हुआ करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम या ग्राम हुआ करता था। प्रशासन कौन करती थी, यहाँ पर ग्राम सभा चलाती थी। प्रशासन चलाने वाला कौन था, प्रशासन, प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता है, प्रशासन ग्राम सभा द्वारा द्वारा चलाया जाता, चलाया जाता, ठीक है। यहाँ का प्रशासन कौन चलाती थी, ग्राम सभा। गांव का प्रशासन ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता, अर्थात यहाँ का भी एक सभा हुआ करती थी जो क्या करती थी भाई, गांव का प्रशासन चलाया करती थी। इसका प्रमुख, इसका जो प्रमुख हुआ करता था, इसका प्रमुख, प्रमुख की बात करें, इसका प्रमुख होता था ग्रामीणी, क्या ग्रामीणी, कौन हुआ करता था, ग्रामीण, या ग्रामीणी कह सकते हैं आप, ग्रामीण कह सकते हैं, या ग्रामिक, ग्रामीण, ग्रामीणी या ग्रामिक, ग्रामिक क्या कहते हैं भाई, ग्रामिक, ये गांव का प्रधान हुआ करता था या ग्राम सभा का प्रधान हुआ करता था। इस प्रकार से हमें सारी सभी प्रकार की जानकारी हमने प्राप्त की प्यारे दोस्तों, किसके बारे में, ये गुप्त काल के बारे में, किसके बारे में भाई, गुप्त काल के बारे में समस्त प्रकार की जानकारियां हमने ले ली। इसकी ये पूरा का पूरा प्रशासन किस तरीके से चलता है, ग्रामीण प्रशासन पूरा का पूरा इस तरीके से चलता है, और ये सारी जानकारी आपको हो जाती है। ग्रामिक या ग्राम का प्रशासन जो प्रमुख होता था वो ग्रामीणी हुआ करता था या ग्रामिक कहलाता था। ठीक है भाई दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जोश और जुनून के साथ बने रहिए डीजे सर क्लासेस के साथ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे हम मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। प्यारे दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके साथ हैं, आपकी सफलता में हमारा हाथ रहेगा। प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।